मिर्जापुर में विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक महासंघ के आह्वान पर मशाल जुलूस लेकर मजिस्ट्रेट परिसर में पहुंचे शिक्षकों ने गेट पर गिरे पेड़ में आग लगा दी। शिक्षक नेता ने धरना प्रदर्शन के साथ ही 6 नवंबर को जिला लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं भड़की आग देखकर मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया। शिक्षकों का जत्था मशाल जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए पहुंचा था। बच्चों को स्कूल में सबक सिखाने वाले शिक्षक जोश में आकर अपना होश खो बैठे। जुलूस खत्म होने के बाद जलती मशाल को कलेक्ट्रेट गेट के पास रख के सूखी लकड़ियों पर फेंक दिया। इसे शरारत कहें या नादानी ये तो शिक्षक ही जाने, पर जलती आग की लो ने सूखी लकड़ियों के ढेर ने शोले का रूप धारण कर लिया। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के बगल में आग भड़कने से सुरक्षा के लिहाज से मौजूद पुलिस के जवान आग पर काबू पाने का प्रयास करने लग गए। आग को पीट कर बुझाने में असफल होने पर आसपास से पानी लाकर उस पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारण मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं मौके पर मौजूद चौकी प्रभारी का कहना है कि आग मशाल को फेंकने के कारण लगी। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर आग पहुँच सकती थी। यहाँ पे शिक्षक संघ के लोग धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, जिनमें मशाल जुलूस का एक ग्रुप था और उसमें से कुछ लोगों ने यहाँ सूखी लकड़ियों में वो मशाल फेंक दी अपनी, जिससे आग लग गई और आग बुझ चुकी है। खतरे वाली कोई बात नहीं। कैसे बुझाए आप लोग? डंडों से और इधर उधर से पानी लेकर के आग बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी गई है, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुँच रही है जल्द से जल्द। कौन सा ऑफिस है सर इसके बगल? सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑफिस है बगल में, जिससे आग बढ़कर वहाँ तक भी पहुँच सकती थी, लेकिन सब लोगों के प्रयास से आग बुझा दी गई।